कहती हूँ कि अगर एक बुरा इंसान है तो सारे बुरे नहीं होते, और अगर सारे बुरे हो जाएं तो फिर दुनिया ही ना रहे। तो अच्छे बुरे सभी साथ साथ होते हैं, तो इसी तरह इंसानों में हो या जानवरों में हो, तो अगर एक जानवर पागल हो गया है और वो सबको काट रहा है, तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि बाकी सारे जानवर भी पागल हो गए और वो भी सबको काटना शुरू कर देंगे। तो कभी कभी हम किसी के साथ ज़्यादती करते हैं। मेरे साथ कोई अगर कोई गलत करके गया है तो मैं दूसरों को सज़ा नहीं दे सकती। मेरे साथ एक ने गलत किया तो मुझे उसी को सज़ा देनी चाहिए, ना कि मैं हर बंदे को सज़ा देती फिरूँ। ये एक मिसाल के तौर पे था। तो अब देखें, हमारे पड़ोस में मैंने आपको बताया था जो कुत्ते रहते हैं, तो वो ऊपर कुत्ती थी, वो उसने अपने बच्चे भी दिए हुए थे, अपने बच्चों को संभालती थी, उनके लिए वो बाहर जाती थी, खाना पीना लेके आती थी, उनको खिलाती थी। आज 4-5 दिन हो गए हमें कुत्ती की आवाज़ नहीं आती थी। हमने कहा पता नहीं क्या बात है, हम रोटी भी डालते थे लेकिन कुत्ती की कोई आवाज़ नहीं हमें आती थी। तो हमें पता चला वो अभी पड़ोसियों के बच्चे ऊपर से उनको ब्रेड डाल रहे थे कुत्ती के बच्चे को, तो उन्होंने हमें बताया कि कुत्ती को ना गोली मार दी गई। उसे गोली क्यों मार दी गई? कुत्ता पहले हमारी गली में, एक कुत्ता ना हल्का हो गया था जो उसने तकरीबन 40 लोगों को काट लिया था, तो उस वजह से ना हमारे मोहल्ले में ना हमारे इलाके में सब कुत्तों को मारना शुरू कर दिया। अब बात मेरी वहीं पर आ गई कि एक इंसान गलत था, सज़ा हमने सबको दे दी, तो एक कुत्ता हल्का था तो उसकी वजह से कितने ही नाजायज़ मारे गए, इस बेचारी के बच्चे भी मारी गई। जो हमें जानवरों से प्यार है, हम जानवरों से नफरत नहीं करते, चाहे वो कुत्ता है, बिल्ली है, कोई सा जानवर भी है, हम उससे नफरत नहीं करते क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें दिल ऐसा दिया है। तो आप भी कहेंगे कि फ्रिया ने पिछली दफ़ा बिल्ली का डाला हुआ था, आज कुत्ते की वीडियो डाल दी। देखिए, आप लोगों के साथ शेयर करने का मतलब सिर्फ यही होता है कि हमसे कोई इंस्पिरेशन लेके, हो सकता है कोई ऐसा जानवर लावारिस है और उसको आपकी मदद की ज़रूरत है, तो प्लीज़ उसकी मदद करें, क्योंकि जान तो जान होती है, चाहे वो इंसान की हो या जानवर की हो। तो जैसे ही हमें पता चला तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि उसको हम अपने नीचे वाला जो हॉल है वो खाली पड़ा हुआ है तो उसके अंदर ला के उसको ना बच्चे को खाना पानी देते हैं, क्योंकि छोटा है, उसकी माँ तो अब रही नहीं है, तो चलो उसको खाना पानी देंगे। तो जैसे अल्लाह पाक कोई हमारे गुनाह बख्श दे, क्योंकि हम किसी के लिए कुछ थोड़ी सी भी नेकी करते हैं तो अल्लाह पाक खुश होता है, और अल्लाह पाक हमारा कोई एक आधा गुनाह भी बख्श दे तो इस दुनिया में मेरे ख्याल में वही काफ़ी, क्योंकि हम तो पल पल गुनाह करते हैं, हम तो बहुत गुनाहगार से बंदे, हम गुनाह ही नहीं कि कोई गलत काम करके हम गुनाह करते, किसी के दिल आज़ारी कर दी, किसी के गिला कर दिया, किसी को गुस्से से बोल दिया, तो हमें गुनाह का काम कर रहे हैं। आप किसी के साथ गलत ना करो, आप कोशिश करो कि आप चाहे इंसान है या जानवर है, आप उसके साथ ज्यादती ना करो। जो करता है वो अल्लाह से खुद पाएगा, हमें नहीं है ज़रूरत। तो हमने कहा कि चलो जब तक हाँ अल्लाह पाक ने हमें हिम्मत करेंगे, जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो वो जहाँ मर्जी चाहे, हमारी ज़रूरत है तो, क्योंकि अल्लाह तो नहीं, मैंने आपको जैसे बोला अल्लाह तो खुद नीचे नहीं आते ना, हमारे लिए ज़रिए बनाते, तो ऐसे हमें भी उसका ज़रिया बनाया तो हमें उसका केयर करनी चाहिए। और अल्लाह पाक हमें माफ़ कर दे कि हमें 5 दिन से नहीं पता था कि वो बच्चा भूखा प्यासा उस प्लॉट में पड़ा हुआ थी, तो वो हमारी नज़र गई, उन बच्चों की नज़र गई तो उन्होंने हमें बताया और हमारे जहन में आया कि चले हम उसको खाना पानी डाल देते हैं, तो अल्लाह भी राजी हो जाएगा। तो बस ये मकसद है आपके साथ वीडियो शेयर करने का, जान जान होती है, उसकी हिफाजत किया करें, जहां पर भी नजर आए आप उसको घर में नहीं रखते कोई बात नहीं, उसको कहीं उठा के साइड पे कर दे और उसके लिए वहां खाना भेज दिया करें, या खुद 2 कदम चल के डाल के आए तो आपको अल्लाह ताला उसका अजर जरूर देगा। तो यहाँ पे फिर क्या, बस मास्क लगा के खड़ी है मेरे साथ जाने के लिए, क्योंकि इसको उसको पपीज को देखना है, इसने पपीज का नाम भी रख दिया, क्या रखा पपीज का नाम? पपी, पपी रखा है जी, इसने उसका नाम भी पपी रख दिया। तो चले मैं आपको दिखा, फुल वॉच करनी है, और जो चैनल पे न्यू है उनसे वही काइंडली सी रिक्वेस्ट होती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब फ्री का होता है और आपकी सपोर्ट मिल जाती है, लाइक कर दीजिएगा उससे पता चलता है आपको वीडियो अच्छी लगी, शेयर कर दीजिएगा अपने इंस्टाग्राम फेसबुक फैमिली और फ्रेंड के साथ, उससे पता चलता है आपको और ज़्यादा अच्छी लगी, आल वाले बेल को आप प्रेस कर लेंगे और आपको मेरी वीडियो ढूंढनी नहीं पड़ेगी, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलें जी हस्बैंड साहब आ जाए नीचे, पपीज को दिखाएं। नहीं जी ऐसे मेरे व्लॉग में आप ना हो तो व्लॉग अधूरा होता है जी, ऐसे तो ना करें, आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम जी, नजर आ रहे हैं आप लोगों को? हाँ आ जाए आ जाए, इधर आके लेटे हुए आप, उधर उनको पता है फ्रिया टीवी लगा के बैठे, आ जाए। मैं भी अधूरी, मेरे बच्चे भी अधूरे, मेरा व्लॉग भी अधूरा, मेरी यूट्यूब फैमिली भी अधूरी, तो बिल्लू जी आ जाए, ओ फरा सिस्टर आ जाए, आपके भाई बिल्लू जी बने हुए, बिल्लू बिल्लू बिल्लू, ये देखे बिल्लू पहना हुआ है, आ जाओ चलो आ जाओ। और आज मैंने वॉशिंग मशीन लगाई हुई थी, कपड़े धोए हैं, तो यहाँ पे हम जा रहे हैं नीचे, फ्रिया मेरे आगे आगे। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। और ये देखें जी, ये हमने कर दी है इस हॉल की सफाई, और सामान बेचारा अभी भी हमारा नीचे पड़ा हुआ है, तो वो है जी सामने पपीज़, हमारा छोटा सा बायोडीन लगाया है इसलिए इसका मुँह सारा गंदा हो रहा है। और ये देखें, अब ये देखें, अब ये भूखा प्यासा 5 दिन से वहाँ पड़ा हुआ, तो फिर हमें पता चला तो हम इसको यहाँ पे ले आए कि चले इसको हम यहाँ से गुजरते हुए ना खाना पानी कुछ ना कुछ देते रहे, इसको भी ना मार दें, तो किसी की जान बचाना मेरे ख्याल में गुनाह का काम नहीं है। तो चाहे वो इंसान है या जानवर, आप कोशिश करें कि किसी की जान बचाएँ, किसी के आप काम आए तो अल्लाह पाक उसका अजर आपको ज़रूर देता है।
इस दुनिया में नहीं तो आखिरत में जरूर मिलता है। पपीज, डर रहा है वो, डर रहा है वो, डर। बैठे रहो बैठे रहो, हम नहीं कुछ कहते आपको। मम्मा वो ना वहाँ से निकल जाता है तो इसको भी छोटे बच्चों को मार देते हैं हमसे। क्या हुआ है पपी? पपी की आंखें वाली ना काली है। काली है वो, उसके उधर कोई काला सा है यहाँ पे निशान। पपी अच्छा, यकीन करिए अल्लाह पाक ने हमें ऐसा दिल दिया, ये तो जानवर है, हमें को इंसान का बच्चा भी मिलेगा ना तो हम उसको भी अपना नाम दे देंगे और उसको भी हम संभाल लेंगे, क्योंकि उसकी जान नहीं जानी चाहिए, बस वो जिंदा रहना चाहिए। तो कभी जाके किसी वक्त में वो आपके लिए दुआ कर सकते हैं, और ये इनकी दुआएं तो लगती भी बहुत है, बिल्ली होगी कुत्ता होगा इनकी दुआएं बहुत लगती है। हमें अल्लाह पाक ने इस काबिल बनाया है, इस काबिल समझा है, तभी हम दोनों मियाँ बीवी को अल्लाह पाक ने ऐसा दिल दिया। मेरी बेटी का भी यही हाल है, ये तो उसके बाद चले तो पूरी दुनिया के ये जानवर उठा के, क्या कह रहा वो तुझे, कुछ नहीं कहता, रख पास गई उठा के ले आई है, अब तेरी मैं नहीं रख रही। तो बाजी ये छोटा सा व्लॉग आपके साथ शेयर करने का यही मतलब था कि कोई भी जानवर आपको ऐसे नज़र आता है तो अगर उसको आप हेल्प कर सकते हैं तो प्लीज़ आप उसको हेल्प करें। अगर आप हाथ नहीं लगाना चाहते तो कोई बात नहीं, आप दस्ताने चढ़ा लें, ग्लव्स चढ़ा लें, उसको उठा के कहीं साइड पे कर दें और उसको दाना पानी खाना पीना दे दें तो अल्लाह पाक इसका अजर आपको ज़रूर देगा। तो बस ये हमारा आज का व्लॉग था, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम फेसबुक और फैमिली फ्रेंड में। खाना इसका वो पड़ा हुआ है, ये खा लेगा। ओए मैं जा रही हूँ तो मुझे देख रहा है। बाय बाय, तो अल्लाह हाफिज़ माई यूट्यूब फैमिली।